चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ओरियो बिस्किट केक की रेसिपी। इस केक की खास बात यह है, इसमें ना सोडा, ना बेकिंग पाउडर और ना ही बटर, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मैदा यूज करेंगे। आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई करें क्योंकि ये केक पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए आज की मज़ेदार केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन लेंगे। ये 7 इंच का केक टिन है। थोड़ा सा पहले हम इसको ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। पहले इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर काट के रखा है, लगा देते हैं और इसमें तेल लगाकर ग्रीस कर देते हैं। ऐसा करने से केक आसानी से केक टिन से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे अलग रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और इसी के साथ गैस पर लो मीडियम फ्लेम पर एक अल्मीनियम के पतीले को प्री हीट होने के लिए रखते हैं और इसमें नमक डाल देते हैं। अब नमक को अच्छे से स्प्रेड कर दिए। अब नमक के सेंटर पर एक स्टैंड रख देते हैं। इसके ऊपर हम केक टिन रखना है, इसके ऊपर ढक्कन भी रखते हैं। जब तक पतीला हमारा प्री हीट होता है तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर 6 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है। सारे पैकेट से बिस्किट निकाल देते हैं। अब सारे बिस्किट तोड़कर मिक्सिंग जार में डाल देते हैं। ऐसे तो ये बिस्किट मीठे होते हैं बट ये डार्क चॉकलेट वाले फ्लेवर में होते हैं तो थोड़ा कम मीठे लगते हैं। तो यहाँ पर 1/4 कप शुगर डाल देती हूँ। अब चीनी और बिस्किट को ग्राइंड कर देते हैं। पीस लिए हैं पर कहीं कहीं बिस्किट के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, पर डोंट वरी, हम इसे दोबारा ग्राइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, इसमें से सिर्फ 1/2 कप इसमें दूध डालेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। अब फिर से ग्राइंड कर देते हैं और इसका स्मूथ बैटर बना लेते हैं। इसे पीस लिए हैं, इसमें और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। केक हमारा फूलना भी चाहिए तो इसके लिए 1 चम्मच इनो डाल देते हैं। एक्टिवेट करने के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच दूध डाल देते हैं। अब हम अच्छे से मिला देते हैं। बैटर को अच्छे से मिलाकर रेडी कर लिए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इस केक टिन में डाल देते हैं और हल्का सा टैप कर देते हैं जिससे कि जो भी एयर बबल होंगे वो निकल जाएंगे। अब हम सावधानी से इस केक टिन को रख देंगे। धीमी आंच पे 35 से 40 मिनट तक पकने देते हैं, ढक देते हैं। 40 मिनट हो गए हैं, केक अच्छे से फूल गया है। इसमें हल्का हल्का क्रैक भी नज़र आ रहा है, यानी केक अंदर से पक गया है। नाई भी एकदम क्लीन निकली है, यानी परफेक्ट कुक हो गया है। गैस बंद कर देते हैं और ठीक से ठंडा होने देते हैं। केक हमारा ठंडा हो चुका है, किनारे को अपने आप छोड़ने लगा है। फिर भी नाइफ से हल्का छुड़ा देती हूँ। कैसे चिपका हुआ होगा तो आसानी से निकल जाएगा। ऊपर का बटर पेपर निकाल देते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, खाने में ज़बरदस्त लगता है। लेकिन मैं यहाँ इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने वाली हूँ। स्टार नोजल को पाइपिंग बैग में भर कर व्हिप क्रीम भर दिए हैं। अब केक के ऊपर रोज फ्लावर ऐसा बना देते हैं। साइड में भी बना देते हैं, बिस्किट भी लगा देते हैं। अब थोड़ा सा कलरफुल शुगर बॉल से डेकोरेट कर देते हैं। अब हमारा केक रेडी हो चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप इस केक की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो ये केक को काट करके भी दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, देख सकते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट कर देने से देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है और साथ में खाने में भी ये मज़ेदार है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।